ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे अपने दिल की बात साझा करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं या उनको कुछ प्रार्थना के माध्यम से बताते हैं, तो वह किस तरह से आपको बताना है कि उनके द्वार तक आपकी जो इच्छा है वो पहुंच जाए। और इसके बड़े ही सुंदर शब्दों में हमारी एक साधिका हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, उन्होंने ग्रुप में ये पोस्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी तक ये जानकारी जाए। ग्रुप में सभी जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं दुर्लभ सामग्री के शामिल नहीं हो पाए क्योंकि ग्रुप की लिमिट्स होती हैं, इसलिए मैं इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसमें शामिल ज़रूर होइए। जैसा इसमें बताया गया है उसी प्रकार से ठीक प्रार्थना करिए मंदिर में जब भी आप जाते हैं, और देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए इनकी बातें ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। Today I want to share an interesting thing with you all. Our ancestors used to tell us that when we go to the temple, we are actually supposed to sit down for a few minutes before we leave the temple premise. This age-old tradition has a small prarthana attached to it. And when I recently learnt about it, I felt like sharing it with you all. It says, Anayasena maranam, vina dainyena jivanam, Dehante tava sanidhyam, dehi me parameshwaram. So when you enter the temple, fold your hands, but keep your eyes open and let the mind capture the darshan. Then when you sit outside and close your eyes, visualize the deity whom you just visited and then ask him, Anayasena maranam, give me death without pain, bina takleef ki mrityu. Vina deinyena jivanam, grant me a life where I am not dependent on anyone. Let nobody have to help me sit up or lie down or feed me. Let me not be parvash. Dehante tava sanidhyam. And when mrityu aaye, tab sirf tumara hi darshan ho. Dehi me parmeshwaram. He Prabhu, please grant me these three wishes. This is a prarthana. Arthana means request and prarthana means prakrushta request, uttam or the best request. Here you are not asking for wealth or son or daughter or property or fame. You are making an extremely special divine request. So whenever you visit the temple, do remember this. इसी प्रकार से जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप मंदिर में जाएं, तो ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना करें और उस प्रभु से, उस परमेश्वर से जो आप विनती या पूजा अर्चना करना चाहते हैं या जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो इसी प्रकार से करें, जिससे कि आपकी जो अर्जी है वो उन तक पहुंचे। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी बात बहुत जल्दी माननीय हो जाएगी और आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि आपके नज़रिए में बदलाव आ जाएगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ और अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अपनी राय और अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को सब तक शेयर करिए ताकि जो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, किसी कारण अविधिपूर्वक उनकी अर्चना नहीं लग पाती या नहीं पहुँच पाती, तो उन्हें भी इस विधि का पता चल जाए। आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय।